आप कहाँ से आए? हम रामनगर से। जहाँ रिजर्व करती है वहाँ उसको उसका हक मिलना चाहिए। भाजपा की तरफ से जिनको टिकट दी गई है उनसे कुछ नहीं आप? नहीं, ये बात नहीं कर, मैं किसी की बात नहीं कर रही हूँ, किसको दी किसको नहीं दी, मैं बात कर रही हूँ नारी शक्ति की, जम्मू कश्मीर की, पूरे देश की बात। आपको जम्मू कश्मीर पूरे की बात करनी है सिर्फ रामनगर की? नहीं नहीं, मैं रामनगर की नहीं, मैं पूरे देश की छीन के लेंगे। मैम आप कहाँ से आए? कहाँ से आए मैम? हम रामनगर से आए। रामनगर से मैम, और क्या बजाय प्रदर्शन करने की, क्या नाराजगी है टिकट जो जिस वजह से महिलाओं को नजरअंदाज किया गया? हमारा यही है कि हमारी बहनों ने सबसे ज्यादा काम किया है जी। हम बहनों के लिए आवाज उठाने के लिए, अपना हक मांगने के लिए हैं। अगर हमारी बहनें सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं, तो हमारा अपना हक भी बराबर लेना है। लेकिन आपकी किसी से बातचीत हुई कल? प्रधान जो है भाजपा, वो कह रहे थे कि हमारे साथ बातचीत करें, सारा परिवार है, नाराज किसी को नहीं करेंगे, सबके बारे में सोचा जाएगा। तो देखो आम आए हैं ना, अगर दे देंगे हम नाराज नहीं है, तो नहीं देंगे तो फिर बाद में बताएंगे। जो कैंडिडेट उभारा गया है क्या लगता है वो सही? नहीं, उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगी, मैं अपनी आवाज नारी शक्ति के लिए उठाने आई हूं। जो जो इनका फैसला है ना, हमारा हमसे महिलाओं में से आपको क्या लगता है कौन वहां पर जो है वो चेहरा हो सकता था भाजपा की तरफ से? जो लोकल की लोगों की आवाज होगी, जो बनेगा जिसका हकदार, इन्होंने देना चाहिए। क्या आप अपने लिए मांग रहे हैं? नहीं, मैं अपने लिए, मैं सब महिलाओं की बात कर रही हूँ। तो अभी अभी आप क्या दिमाग यही बैठेंगे जब तक कोई बातचीत नहीं करेगा? आज यही बैठे। लेकिन रविंद्र तो यहाँ है नहीं, वो आज बाहर है, किससे बातचीत? बहुत ऐसे ही बाहर रहते हैं, वो हमारे से बात भी नहीं करते हैं, शो कॉल ही हमारे साथ बात करते हैं। हमारी पूर्ण पे आज तक, जहाँ मैं 2013 की आई हूँ पार्टी में, तो मेरी शो कॉल से ही बात होती है, वो ही मेरे काम करते हैं। मैं आज उनसे, मेरे बड़े भाई हैं, हम उनकी बहने हैं, उनसे हमें पूरी उम्मीद है हमारी बात माने। अंदर तो मीडिया से, मीडिया को नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, आपको क्यों रोका है? नहीं नहीं, जब तक हमारे इधर नहीं आएंगे नेता, हम नहीं उठने वाली है। हमारे जहाँ आएंगे फिर बाहर बाहर करेंगे बात, जहाँ भी आएंगे, इधर आएंगे, इधर कर लेंगे, अंदर बुलाएंगे। शो कॉल से डॉक्टर जितेंद्र से बात करनी हमने, शो कॉल से भी बात करनी है, हमारे डॉक्टर जितेंद्र से भी बात करनी है, हमारे जो भी होगा शो कॉल, हमारे संगठन मंत्री हैं, वो बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत हमारे संगठन मंत्री अच्छे हैं, हमें पूरी उम्मीद लेके आए हैं, वो हमारी आवाज को और मतलब पूरा सुनेंगे। देख सकते हैं आप साफ तौर पर यहाँ पर जो है काफी ज्यादा गुस्सा जो है यहाँ पर महिलाओं के बीच में है, और रामनगर से ये तमाम लोग, तमाम महिलाएं जो है यहाँ पहुंची हैं, और जो पुरुष कैंडिडेट जो है भाजपा की तरफ से यहाँ पर जो जिसे डिक्लेयर किया गया है, जिसे नाम जिस सूची में है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि भाजपा के दफ्तर के बाहर बिल्कुल डेरा लगा लिया है, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो संगठन मंत्री है यानी कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल जो है उनसे ही मुलाकात जो है ये की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है से मुलाकात की, हालांकि अब अशोक कोल जी अंदर है या नहीं ये हम कह नहीं सकते, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की बात करें तो शक्ति परिहार के साथ सुबह नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वो यहां से जा चुके हैं, यहां पर वो है नहीं। और अभी देख सकते हैं कि आप यहां पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है, भाजपा कार्यालय के बिल्कुल बाहर की तस्वीरें हम इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, और आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल बवाल हुआ उसके बाद आज एडवोकेट सुनील शेट्टी जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, जब उनसे हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि डिसिप्लिनरी पार्टी है हमारी और इस तरीके के बर्ताव को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना हम इसे एक्सेप्टेंस जो है वो देंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए आप यहाँ पर जो है अपने जो कैंडिडेट हैं जिसके लिए यहाँ प्रदर्श किया जा रहा है, अभी पहुंच के लिए नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ये साफ तौर पर इस समय की तस्वीरें, इस समय के विजुअल्स जो हैं हम आप तक पहुंचाते हुए, और ये सीधे विजुअल्स जो हैं भाजपा कार्यालय के बाहर के हैं। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर, कल के बाद फिर से एक बार भाजपा कार्यालय के बाहर हंगामे की तस्वीरें हैं, और यहाँ पर देखिए कि महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं, और जो टिकट्स में महिलाओं को नजरअंदाज किया गया उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए साफ तौर पर तस्वीरें आपको हम इस समय दिखाते हुए, दफ्तर जो है उसे बंद रखा गया है, यहाँ पर कोई है नहीं फिलहाल, और यहीं पर जो है वो बैठ गए हैं धरने पर। ये देखिए नीचे सामने गेट के जो है महिलाएं यहीं बैठ चुकी हैं, और तादाद देखिए आप कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे हम इनसे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तादाद भारी मात्रा में जो है यहाँ पर पहुंची है, दूर दराज इलाकों से भी ये लोग यहाँ आए हुए हैं, और साफ तौर पर जैसे कैसे कल भाजपा ने जो सूची जारी करी उसमें महिलाओं को नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद जो है एक वीडियो पहले भी वायरल हुआ था,
इसमें एक महिला जो है ये अपील करती नजर आई कि आप जो है हमारे साथ गलत कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि दूसरी दफा आज फिर से यहाँ पर जो है, और यहाँ पर जो है पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है, जिसका कड़ा विरोध जो है यहाँ पर ये महिलाएं करती नजर आ रही है। तस्वीरें आपके समक्ष रख रहे हैं और बातचीत करेंगे किसी महिला से और जानेंगे कि आखिरकार यहाँ आने की और यहाँ इस तरीके से प्रदर्शन करने की और क्या नाराजगी है पार्टी से और पार्टी कार्यकर्ताओं से।